हेलो दोस्तों, मैं हूं कासिम कादरी और भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आई होप कि जो है आवाज़ आ रही होगी। भाई बहुत हवा चल रही है, मैं आया था यहाँ पर जुहू पर, तो मैं जो है आज आपको दिखाऊंगा परवीन बाबू जी का घर। तो भाई यहाँ पर अभी फिलहाल जो है बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, मैंने सोचा कि बीच के रास्ते से जो है थोड़ा वॉक करता हुआ चला जाऊँगा, लेकिन भाई आज पानी भी देखे भाई, पूरा भाई पानी भरा हुआ है। दोस्तों वैसे घर तो वहीं पर है, आगे दिखता होगा उस साइड, थोड़ा 5 मिनट चलूँगा तो आ जाएगा, लेकिन बहुत पानी भरा हुआ है। ऊपर से मैं जूते पहन के आया हूँ, तो अभी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ वो घर जहाँ पर जो है उन्होंने अपना आखिरी वक्त में जो है वो वहीं पर उसी घर में जो है उनकी डेथ हुई थी। दोस्तों वो घर जो है वो दिख ही जाता हूँ भाई। दोस्तों अभी जो मैं आपको घर दिखा रहा हूँ उसी घर में जो है उनकी डेथ जो है हो गई थी, और जो है वहीं पर जो है उनकी जो है बॉडी दो या कितने इतने दिन तक जो है थी वहीं पर। वो घर जो है अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। फिलहाल ये देखें, आज संडे है इसलिए थोड़ा लोग भी दिख रहे होंगे, ज़्यादा हवा चल रही है। दोस्तों यहीं तक जो है मैं थक गया हूँ, पानी देखें। वैसे दोस्तों आवाज़ शायद आ रही होगी, पीछे से बोल रहा हूँ। यहाँ पर ना बोट राइडिंग भी होती है यहीं पर इसी जगह पर, तो आज पानी की हालत देखते हुए वो सब भी जो है बंद है। वैसे जाना तो इतना ही दूर है, मैंने सोचा चल लूँगा इतना ही यहीं पर, लेकिन भाई चला ही नहीं जा रहा है, इतना भाई रेती भरी हुई है। तो अभी ना दोस्तों हवा की वजह से जो है कुछ वॉइस जो है सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। आप देखिए ये जुहू बीच आज 2024 में, और दोस्तों 20 जनवरी 2005 को जो है परवीन बाबी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। आप देखें ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी के ऊपर वाले फ्लोर में वो रहा करती थी, और यहीं से जो है वो बाहर का नज़ारा देखते होंगे। और देखिए दोस्तों अभी 2005, दोस्तों मतलब वैसे मेरा जन्म भी जो है 2005 में ही है, मतलब आज से करीब 19 साल पहले जो है ये वारदात हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी तेज़ हवा चलने की वजह से यहाँ पर कुछ भी साउंड सुनाई नहीं दिया। तो मैं यहाँ पर कह रहा था कि बहुत से लोगों के डाउट थे कि परवीन बाबी जी ने तो लास्ट में क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था, फिर उनकी कब्र मुस्लिम कब्रिस्तान में कैसे, मुझे भी नहीं पता, लेकिन उनकी कब्र जो है मुंबई के मुस्लिम कब्रिस्तान में है, ना कि क्रिश्चियन कब्रिस्तान में। उन्हें शायद फैमिली मेम्बर ने मुस्लिम कब्रिस्तान प्रीफर किया होगा, आई डोंट नो। और देखिए दोस्तों ये वही बिल्डिंग है, और इसी के बगल में दोस्तों श्रद्धा कपूर जी का घर है, और लेफ्ट साइड में जो है अक्षय कुमार साहब का, और ये बिल्डिंग देखें। तो दोस्तों इतने यही जगह आज मुझे जो मैं शेयर बोलता हूँ लास्ट में वो फिर से याद आ गया कि वही ज़िंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, मतलब दोस्तों आप देखिए वही ज़िंदगी मतलब वही ज़िंदगी है, वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। तो दोस्तों ये फ्रंट साइड से जो है ये बिल्डिंग है। तो बस दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक, आई होप कि जो है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वही ज़िंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, वही ज़िंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं, क्या हुए वो दिन।